गाइस कैश एक्सप्रेस लोन एप्लीकेशन के आज मैं रिव्यू करने वाला हूं। तो यहां पे आप लोग देख सकते हो 4.8 स्टार रेटिंग्स है और नया एप्लीकेशन है गाइस 10 के ही डाउनलोड हुआ है। लेकिन ये एप्लीकेशन गाइस बहुत ही रिक्सी है। अभी आप लोगों को मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ ना, जिसे आप लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। ये एप्लीकेशन आप लोगों से बहुत सारी डाटा उठाते हैं। अगर ये आप लोग ना इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लोगे तो ये एप्लीकेशन आप लोगों से कुछ डाटा ना इसके सर्वर में सेंड कर देगा, आप लोगों से मतलब आपकी मोबाइल से। तो क्या क्या चीज़ें ये एप्लीकेशन एक्सेस कर सकता है, आपकी SMS, क्या क्या मैसेज है, आपकी मोबाइल पे क्या क्या फोटोज़ एंड वीडियोज़ है। तो इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने से पहले ही अगर आपकी कोई भी प्राइवेट फ़ोटो या वीडियो है उसे डिलीट कर लेना। और आपकी कॉन्टेक्ट्स क्या क्या नंबर्स है आपकी मोबाइल पे, किसका किसका नंबर्स है, वो सारी चीज़ें एप्लीकेशन देख सकता है। आपकी ऐप की एक्टिविटी, क्या क्या चीज़ें आप लोग इंस्टॉल कर रहे हो, क्या क्या कर रहे हो एप्लीकेशन पे, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इस एप्लीकेशन वालों के पास रहती है या तो ये लोग एक्सेस कर सकते हैं। अभी इस एप्लीकेशन के बारे में गाइस रियलिटी में आप लोगों को आज बताने वाला हूँ कि एक्चुअली एप्लीकेशन क्या है, कितना इंटरेस्ट रेट है। यहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें सही नहीं है। मैं आप लोगों को एक्चुअल चीज़ें बताऊँगा फिलहाल के टाइम पे क्या है। यहाँ पे देखो, अगर आप लोग लोन लेना चाहते हो कैश एक्सप्रेस पर्सनल लोन एप्लीकेशन पे लोन ले सकते हो। फेक एप्लीकेशन नहीं है, रियल एप्लीकेशन है। लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना अबाउट एप्लीकेशन पे, यहाँ पे कुछ गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे जो लोन अमाउंट लिखा हुआ है 30,000 से 50,000, लेकिन आप लोगों को 3,000 से मैक्सिमम 20,000 तक ही मिलेंगे फिलहाल के टाइम पे, क्योंकि नया एप्लीकेशन है। जो रिपेमेंट पीरियड यहाँ पे दिया हुआ है 91 डेज से 365 डेज, लेकिन ये भी सही नहीं है। आप लोगों को शॉर्ट ही रिपेमेंट पीरियड मिलेंगे। सो इंटरेस्ट रेट यहाँ पे इन लोगों ने लिखा है 30%, लेकिन आपके इंटरेस्ट रेट इससे भी ज़्यादा हो सकता है। और यहाँ पे एक सर्विस फीस भी है 1% से 8%, जो कि नॉन रिफंडेबल है और आपकी लोन अमाउंट से डिडक्ट हो जाएंगे। और आप लोग देख लेना गाइस, और इन सब के साथ आप लोगों को 18% GST भी देना है। तो आप लोग सोच ही सकते हो कितना हाई इंटरेस्ट रेट आप लोगों को यहाँ पे देना पड़ेगा। फिर भी अगर आप लोग लोन लेना चाहते हो तो आप लोग आसानी से ले सकते हो। आप लोगों को कोई भी इनकम प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, बस आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपकी बैंक स्टेटमेंट से ही आप लोग कैश एक्सप्रेस पर्सनल लोन एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। बस आप लोगों को ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना है, KYC कंप्लीट करना है। उसके बाद आप लोग आसानी से यहाँ पे पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर पाओगे। बहुत ही आसान है, आपकी बैंक अकाउंट पे आपकी जो भी लोन अमाउंट है आप लोगों को मिल जाएंगे। अभी नया एप्लीकेशन है, फिलहाल के टाइम पे इतना तो इश्यूज नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को प्रॉब्लम भी आया है गाइस। बहुत लोगों को यहाँ पे रिजेक्शन भी मिला है, तो आपको रिजेक्शन भी मिल सकता है। 60-70% चांसेस है कि आपको लोन मिल जाएंगे, लेकिन 40% ऐसा भी चांस है कि आपको रिजेक्शन भी मिल सकता है। और कुछ लोगों को यहाँ पे रिपेमेंट पर भी इश्यूज आया है। और ऐसे तो एप्लीकेशन है ही रिक्सी, ठीक है। और इस एप्लीकेशन पे हाई इंटरेस्ट रेट पे आप लोगों को स्मॉल अमाउंट के लोन मिलेगा, वो भी शॉर्ट पीरियड के लिए। तो आप लोग देख लेना गाइस, ओवरऑल ऐसा ही एप्लीकेशन है। अगर आप लोग रिपेमेंट करना चाहते हो ना, रिपेमेंट करने में आपकी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लोग इसी एप्लीकेशन पे रिपेमेंट कर सकते हो। UPI से या तो डेबिट कार्ड से आप लोग रिपेमेंट कर सकते हो, लेकिन इन लोगों का UPI ID जो होता है ना, वो चेंज होते रहता है, तो कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है। ऐसा ही थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी इस एप्लीकेशन पे आते हैं। तो ओवरऑल ऐसा ही एप्लीकेशन है। आप लोग क्या सोचते हो कैश एक्सप्रेस पर्सनल लोन एप्लीकेशन के बारे में, कमेंट पे जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को शेयर भी करना। तो आज की वीडियो में इतना ही है गाइस। बाय बाय गाइस, लव यू गाइस।